Hello everyone, good morning all. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back with another lecture that is based on the Hindu editorial vocab. जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 26th ऑफ जून के कुछ एक इम्पोर्टेंट वर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया और ये लेक्चर हमारा डेली रहता है, पर डे मॉर्निंग में ये लेक्चर आता है। और एक बार मैं फिर से एक नोटिस के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक न्यू चैनल है जिसमें हम लोग सारे सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर जो कि हमारा इंडेफेटिगेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है जो कभी ना थके, ना थकने वाला, अथक, अनटायरिंग जिसको बोलते हैं, या इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट। ये पिक्चर देख सकते हैं आप लोग गौतम बुद्ध का, सॉरी गाइज, हाँ ये गौतम बुद्ध का पिक्चर है। ये अपने सर्च फॉर द ट्रूथ में कभी नहीं थके, यानी कि सच की खोज में कभी नहीं थके, चलते रहे बिना थके। उसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, गौतम बुद्ध वाज इंडेफेटिगेबल इन हिज सर्च फॉर द ट्रुथ। गौतम बुद्ध अथक थे किस चीज में? सच की खोज में, अपने सच की खोज में गौतम बुद्ध अथक थे। योर इंडेफेटिगेबल स्पिरिट विल हेल्प यू टू कोप विद कोरोना वायरस। आपका जो ये अथक स्पिरिट है वही हेल्प कर सकता है कोरोना वायरस से लड़ने में। सिनोनिम्स देखते हैं, टायरलेस, एनर्जेटिक, डेलिजेंट। एंटोनिम्स होगा लेथर्जिक, आइडल, इनएक्टिव, मतलब कि जो एकदम शांत हो आपका, हो आलसी हो, तो हम लोग बोलेंगे एंटोनिम्स। टिप देखते हैं, महात्मा गांधी अपने इंडिफेटेबल स्पिरिट के कारण सारा काम उनके लिए मैनेजेबल था, यानी कि महात्मा गांधी जो थे अथक थे, वो कभी थकते नहीं थे, इसलिए वो अपने सारे काम को अच्छे तरीके से मैनेज करते थे, चाहे वो पर्सनल चॉइस हो या फिर इंडिया की भलाई के लिए कोई काम किया गया। चलते हैं सेकेंड वर्ड की ओर जो कि है हमारा प्रोपेंसिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है जिसका मतलब होता है कि नेचुरल इंक्लाइनेशन और टेंडेंसी, यानी कि किसी चीज को के प्रति आपका झुकाव, सहज प्रवृत्ति, यानी किसी चीज को देखते ही आप कंट्रोल ना कर सके उस चीज के सामने आप झुक जाएं। जैसे कि बंदे को देख सकते हैं, दारू को देखकर ये पीना नहीं चाह रहा बट ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसको, उसके प्रति एक सहज प्रवृत्ति आ गई है, यानी कि उसका झुकाव हो गया है उसके प्रति। जैसे उसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज अ प्रोपेंसिटी फॉर ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। उसका झुकाव है किसको लेके? टू मच अल्कोहल, ढेर सारा दारू पीने को लेके। चाइना ऑलवेज शो अ प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस। चाइना हमेशा अपना झुकाव शो करता है हिंसा के तरफ। सिनोनिम्स देखते हैं, बायस, लेनिंग, ससेप्टिबिलिटी। एंटोनिम्स देखेंगे, इनएबिलिटी, एंटीपैथी, क्विकनेस। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करें, अगर गलत चीजों को लेकर आपको प्रोपेंसिटी हो तो आप अपने बर्बाद होने के कारण डेस्टिनी को नहीं बोल सकते। अगर आप गलत चीजों को लेकर आप उसकी तरफ झुकते हैं तो आप ऑब्वियसली है कि आप बर्बाद होंगे, आपका फ्यूचर बर्बाद होगा, और इस चीज को लेकर आप अपने डेस्टिनी को नहीं कोस सकते कि मेरा भाग्य ही खराब था। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर जो कि है हमारा हेगेमनी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है जिसका मतलब होता है आधिपत्य, प्रभाव, यानी किसी चीज का आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होना। द थ्री एशियन नेशन कम्पिटेड फॉर रीजनल हेजेमनी। थ्री एशियन नेशन, जैसे आपको पता है कभी कभी एशियन चैंपियनशिप होता है जिसमें सिर्फ एशियन कंट्री लोग पार्टिसिपेट करता है, उसमें वो लोग अपना आधिपत्य जमाने के लिए, यानी एशिया में बॉस कौन है उस चीज का आधिपत्य जमाने के लिए वो लोग आपस में मैच खेलते हैं, लड़ते हैं, और उसमें से जो जीत गया उनका आधिपत्य हो जाता है। यू शुड नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द वॉर रिलेटेड टू कास्टिज्म हेजेमनी, यानी कि आपको अपने आप को उस वार में कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जो कि कास्टिज्म के प्रभाव को दिखाता हो। आपको अगर अपने प्रभाव को दिखाना है तो किसी अच्छे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें, उस चीज में अपना आधिपत्य जमाएं। सिनोनिम्स देखते हैं, अथॉरिटी, कमांड, लीडरशिप। एंटोनिम्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस, वीकनेस, हेल्पलेसनेस। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, कल वाला ही पिक्चर है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ये अपना किसी चीज के ऊपर प्रभाव दिखाने का कोशिश कर रहा था बट के सक्सेस नहीं हो पाया, यानी कि अगर आप किसी गलत चीज के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना चाहेंगे और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे फिर आपका बुरा हाल होने वाला है। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, जनरली जो लोग रिलीजन बेस पे हेगेमनी के लिए लड़ते हैं वो लोग पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, यानी कि आप पढ़े लिखे होकर भी रिलीजन, धर्म पे, कास्टिज्म पे, इस चीज पे बेस्ड लड़ाई करोगे तो आप पढ़े लिखे मूर्ख होगे। चलते हैं फोर्थ वर्ड की ओर जो कि है हमारा
इन्यूमरेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अनगिनत, असंख्य। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये लोकास्ट अटैक का है, जो कि आप लोगों को पता है राजस्थान में फिलहाल में हुआ था, राजस्थान गुजरात में, उससे होते हुए फिर और इंडिया में और बाकी शहरों में भी हुआ था। ये सब जब भी आते हैं ना, अनगिनत संख्या में आते हैं, जिसको आप काउंट ही ना कर सको, वेरी न्यूमरस, काउंटलेस नंबर में ये लोग आते हैं। महात्मा गांधी हैड डन इन्यूमरेबल वर्क फॉर आवर कंट्री, महात्मा गांधी ने असंख्य अनगिनत अच्छे काम किए हैं हमारे देश के लिए। लादेन वॉज इन्वॉल्व इन इन्यूमरेबल क्राइम, लादेन जो था अनगिनत क्राइम में इन्वॉल्व था, इसलिए उसका साथ हमेशा बुरा हुआ। सिनोनिम्स देखते हैं, काउंटलेस, न्यूमरस, अनकाउंटेबल। एंटोनिम्स देखेंगे, कैलकुलेबल, काउंटेबल, मेजरेबल। महात्मा गांधी इंडिया में ऑनरेबल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए इन्यूमरेबल काम किया है। महात्मा गांधी इसलिए इतने ऑनरेबल हैं, इसलिए उनका इतना आदर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए अनगिनत अच्छे काम किए हैं। चलते हैं फिफ्थ वर्ड की ओर, जो कि हमारा डिमिन्यूशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में या नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अल्पीकरण, कमी, यानी किसी चीज के स्ट्रेंथ में आदर कमी हो जाए, या फिर किसी भी चीज में का रिडक्शन होते जाए, उसका इंपैक्ट रिड्यूस होते जाए। इंडियन जीडीपी हैज सफर्ड अ डिमिन्यूशन इन ग्रोथ, इंडियन जीडीपी के ग्रोथ में रिडक्शन हुआ है, यानी कि अल्पीकरण हुआ है, कमी हुआ है। ये पिक्चर देख सकते हैं मशरूम का, ये धीरे 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 इसके साइज में रिडक्शन हुआ है, इसी को हम लोग बोलेंगे डिमिन्यूशन। सिनोनिम्स देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, डिडक्शन, वीकनिंग। एंटोनिम्स देखेंगे, एडिशन, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, लॉकडाउन के बाद जब इसके रिजल्ट का कंक्लूजन निकलेगा, पता चलेगा कि सबके प्रॉफिट में डिमिन्यूशन हुआ है, यानी कि किसी का प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, बल्कि सबका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।